स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा इस वीडियो में हर एक कैटेगरी के बारे में, मेल प्लस फीमेल। सबसे पहले शुरू करते हैं वैकेंसीज़, एक बार वैकेंसीज़ पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर कुल रिक्ति जो है कितना था कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं आपको यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और एससी। ठीक है, क्योंकि एसटी में और जो बाकी जो क्या बोलते हैं पीएच वाला जो कैटेगरी है आपका, उन सब में बहुत कम रिक्ति होता है और उस सब का एक अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मोटा मोटा हम जो है यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और एससी को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक नज़र डाल लीजिए कि मेल और फीमेल का कितना कितना टोटल वैकेंसीज़ है। तो ये आपको लगभग 8000 के आसपास जो है इन सभी इन पांचों कैटेगरी का जो है 8000 के लगभग रिक्ति हो जाता है, और बाकी जो 300-400 बच गया वो आपका एसटी और पीएच का जो है उन सब का है। ठीक है, ये तो रिक्ति का बात हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कंपटीशन जो है किस तरह का है कंप्यूटर साइंस में, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में हम आपको बताए कि 8000 के लगभग इन पांचों कैटेगरी में रिक्ति है। ठीक है, 8000 के लगभग, और टोटल यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि टोटल एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, या आप कह लीजिए कि टोटल अपियर्ड कैंडिडेट्स इन टीआरई जो है वो 18000 है। टोटल अपियर्ड कैंडिडेट्स इन टीआरई और एसटीईटी क्वालिफाइड जो है वो लगभग लगभग सेम ही होगा। वो इसलिए क्योंकि 1000 लगभग कैंडिडेट्स जो हैं वो एसटीईटी 2012 में कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, 1000 के लगभग कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 17000 जो आपका 2019 में क्वालिफाई किए थे, और प्लस ये इस 1000 में से आप मान सकते हैं कि 500-600 लोग इसमें से भी अप्लाई किए हैं, कुल मिलाकर के आप मान सकते हैं कि 17-18000 हम कंसीडर यहाँ पर करके चल रहे हैं। जैसा कि बीपीएससी के द्वारा भी डेटा दिया गया है उसमें भी आपको 18000 वो दिखेगा, और एसटीईटी क्वालिफाइड यहाँ पर 19 का ये डाटा है, और सिर्फ 1000 ही 2012 में क्वालिफाई किए थे। तो वो एक तरह से आप मान के चलिए कि बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एसटीईटी क्वालिफाइड के रिस्पेक्ट में आप वैकेंसीज़ पर एक नज़र डालिए तो 3906 रिक्ति टोटल जो है यूआर कैटेगरी में, सॉरी 3906 लोग जो है क्वालिफाई किए थे एसटीईटी 2019 में जनरल से, यूआर कैटेगरी से। ठीक है, यूआर कैटेगरी में, और वैकेंसीज़ वहीं पर देखा जाए तो 3369 जो है रिक्ति है यूआर कैटेगरी का। तो रेशियो जो है ये आपका 1.15 का आ रहा है इसमें। ईडब्ल्यूएस में वहीं पर आप देखेंगे तो 1482 लोग एसटीईटी क्वालिफाई किए थे और 830 इसका वैकेंसी है, तो 1.78 आ रहा है इसका। बीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है आपको, 6127 लोग जो है 6127 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे एसटीईटी, और 1000 ही मात्र इसमें वैकेंसी है, तो 6 का जो है रेशियो इसमें बन रहा है। ईबीसी में आप देखें तो 4000 लोग क्वालिफाई किए थे और 1500 इसमें रिक्ति है, तो इसमें 2.69 का बन रहा है। और एससी का बात करें तो 1245 टोटल एसटीईटी क्वालिफाई किए थे और यहाँ पर वैकेंसी जो है आपका 1336 है, लगभग एक से भी यहाँ पर कम है आपका, 0.93 आ रहा है। ये तो हो गया कंपटीशन किस तरह का। यहाँ 8000 इन पांचों कैटेगरी में देखा जाए तो 8000 रिक्ति के अगेंस्ट जो है कितने लोग टोटल एसटीईटी क्वालिफाई, या आप कह लीजिए कि कितने लोग अपियर हुए थे, तो 18000 जो अपियर हुए थे। तो 8000 इधर वैकेंसी है और 18000 लोग जो है अपियर हुए हैं। ये तो हो गया कॉम्पिटिशन का बात। आगे आप देखते हैं कि एक्चुअल जो कंपटीशन है वो कितने कैंडिडेट्स के बीच में है टोटल वैकेंसीज़ 8000 के लिए। ठीक है, तो 8000 रिक्ति है आपका यदि उन पांचों कैटेगरी में जिसका हम बात पीछे किए हैं, तो एक्चुअल टोटल कैंडिडेट्स जो होंगे, यहाँ पर हम उन कैंडिडेट्स का बात कर रहे हैं जो स्कोर जिनका जो है मोर देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, ठीक है, 32% 34% जो भी एक रखा गया है, ठीक है, 40 मार्क्स 42 मार्क्स जो भी होगा, उससे ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर जो है कितने लोग होंगे। तो 18000 टोटल आपका ऐसे है। ठीक है, 6000 इसमें से हम मान लेते हैं 6000 कैंडिडेट्स जो हैं वो या तो डिसक्वालीफाई होंगे, मिनिमम से कम उनका जो है स्कोर होगा, या वो डीवी अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है, या वो अनवेरीफाइड उनको किया गया है, या वो इन एलिजिबल हैं। ठीक है,
इस तरह के जो है सभी कैंडिडेट्स लगभग 6000 होंगे, तो कुल बच गया आपका 12000 जो है, 12000 लोग जो है एक्सपेक्टेड है, ये अनुमानित है कि 12000 लोग जो है एक्चुअल टोटल कैंडिडेट्स होंगे जो 8000 सीट के लिए दावेदार होंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब वो जो रेशियो है 8000 वर्सेस 18000 था, वो अब क्या हो गया, 8000 वर्सेस 12000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका जो एक्चुअल कंपटीशन का बात, अब स्कोर ट्रेंड देख लेते हैं। जो काफ़ी कैंडिडेट्स से बात करने के बाद जो पता चला है, प्लस आपका जो पोल का जो रिज़ल्ट है उसके बेसिस पे यहाँ पर ये चीज़ कहा जा सकता है कि टोटल जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं वो 12000 हैं, जिसमें स्कोर जो है 55 से ऊपर, ठीक है, स्कोर जिनका 55 से ऊपर है, 50% ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 55 से ऊपर हो सकता है। ठीक है, यानी कि 12000 में से 6000 कैंडिडेट्स का स्कोर जो है ये माना जा सकता है कि ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद स्कोर जो है 55 से कम जिनका होगा, ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो भी 50% होंगे, यानी कि 6000 लोग। तो यहाँ पर 55 मार्क्स जो है एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, उससे ऊपर 50% कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स 55 से ज़्यादा आ रहा है और 55 से कम आ रहा है, वैसे लोग भी 50% है। ठीक है, लेकिन उनका जो है 55 से यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से जो है ऊपर है और 55 से कम है, वैसे होंगे 6000 और उसके ऊपर होंगे 6000। तो 6000 में 55 एक बॉर्डर लाइन है, 55 से नीचे 6000 लोग हो गए, 55 से ऊपर 6000 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर यू आर मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखिए 6000 लोग 55 से ऊपर हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया गया आपको कि 55 मार्क्स से ऊपर जो है 6000 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसमें से सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे इसमें शामिल। ठीक है, सभी स्वाभाविक बात है 6000 लोग जो हैं वो सभी कैटेगरी से होंगे। और यहाँ पर टोटल जो यू आर मेल का सीट है वो 2172 है, यू आर मेल का सीट 2172 है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 2172 रैंक जो होगा वो 55 से ऊपर कितना पर हो सकता है। और ध्यान रहे कि 2172 जो लोग सेलेक्ट होंगे ऊपर से, टॉप 2172, उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो अनुमानित है, मेरा जो अनुमान है ये 65 मार्क्स के लगभग होगा आपको, जिसमें आपको प्लस माइनस आप दो कर सकते हैं, ये 66-67 भी हो सकता है या 1-2 मार्क्स आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 65 मार्क्स से ऊपर जो है 2172 लोग आ जाएंगे और इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स शामिल होंगे। ठीक है, जनरल में आपको पता होगा कि इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जा सकते हैं और जो टॉप में जो 65 से ऊपर किसी भी कैटेगरी का जो मार्क्स होगा वो सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे जनरल में। ठीक है, अब यहाँ पर 2172 यू आर सीट्स है जिसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका जो है 65 के आसपास हो सकता है। वहीं पर यू आर फीमेल का बात करें तो यहाँ 50 मार्क्स आप मान सकते हैं, 50 मार्क्स जो है यू आर फीमेल का हो सकता है, इसमें प्लस माइनस दो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं अदर कैटेगरी का। ये तो हो गया जनरल का, क्योंकि जनरल से ही जो है आपका बाकी कैटेगरी का फिर जो है कट ऑफ डिसाइड होता है पहले, क्योंकि जनरल में काफ़ी लोग सभी कैटेगरी के शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ से फिर डिसाइड होता है कि बाकी जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। ये यू आर का हो गया। उसके बाद जो है अदर कैटेगरी का हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अदर कैटेगरी का जो है कट ऑफ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बीसी मेल का आपको 60 के लगभग हो सकता है, जिसमें प्लस माइनस दो संभव है। EWS मेल का बात करें तो 56 के लगभग हो सकता है, जिसमें प्लस माइनस दो संभव है। EBC मेल का बात करें तो 54 के लगभग हो सकता है, प्लस माइनस दो आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद BC फीमेल का बात करें तो 47 मार्क्स के लगभग हो सकता है, जिसमें प्लस माइनस दो को आप लेके चल सकते हैं। और EWS फीमेल का बात करें तो ये 45 मार्क्स के लगभग हो सकता है, जिसमें आप प्लस माइनस दो को लेके चल सकते हैं। वहीं पर यदि SC का बात करें तो SC मेल प्लस फीमेल, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि SC पुरुष और महिला, और वहीं पर EBC फीमेल, ठीक है, का जो है सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो सकता है। ठीक है, ये एक संभावना है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सेफ जोन, कई लोगों को जो है कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कट ऑफ में मान लीजिए कि उतना एग्जैक्ट जो है कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है, जो भी बताया गया है पीछे मान लीजिए उसके इर्द गिर्द हो सकता है जो भी हो, लेकिन आप लोगों का मानना हो, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कितना मार्क्स जो है सेफ है, 50 मार्क्स आपको आ रहा है वो सेफ है कि नहीं, किस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर एक हम डाटा, यहाँ पर आपको सेफ जोन, हम सेफ स्कोर बताना चाह रहे हैं आपको कि
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे मान लीजिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा है किसी का या मिनिमम ही है, तो कौन कौन सा कैटेगरी जो है इसमें सेफ हो सकता है? तो आपको एससी कैंडिडेट्स जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो सेफ है। मिनिमम यदि है उनका, मिनिमम से ऊपर है तो वो सेफ है। प्लस ईबीसी फीमेल को भी आप सेफ मान सकते हैं मिनिमम प्लस में, ठीक है। वहीं पर 45 प्लस का बात करें, 5 मार्क्स आप लगभग ऐड कर दीजिए, क्योंकि 39, 40 या 41 इसी के इर्द गिर्द जो है आपको मिनिमम वहाँ पे है लगभग। 45 प्लस आप मान के चलें तो वहाँ पे आपका बीसी फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल को आप सेफ मान सकते हैं 45 प्लस पे। वहीं पे 50 प्लस पे यूआर फीमेल को सेफ माना जा सकता है। 55 प्लस आपका है यदि, तो ईबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल, ये दोनों कैटेगरी जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं पर 60 प्लस में बीसी मेल जो है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और 65 प्लस में जो है यूआर मेल जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो नीचे आप कमेंट करके ध्यान से अपने कैटेगरी के साथ आप बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। इन सेफ जोन में आप जो है कहाँ पर आ रहे हैं, ये कमेंट करके हमको बताइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।